हेलो दोस्तों, आज सिंगल फेस समरसेबल को बारे में बतलाएंगे। दोस्तों देख लीजिए, ये 5 साल पुराना मोटर है जो पूरा जाम हो चुका था, लेकिन इसे हम फ्री कर चुके हैं। दोस्तों वायरिंग बदल चुके हैं, आपको सिर्फ कैपेसिटर पर चला के दिखाएंगे कैपेसिटर पर चलता है या नहीं। तो दोस्तों वीडियो ध्यान से देखिएगा। देख लीजिए 50 MFD का कंडेंसर है जो इस पर ही चला कर दिखाएंगे बिना स्टार्टर को। ठीक है दोस्तों, पहले हम इसका केबल लेंगे। ठीक है, केबल लेने के बाद हम इसे चेक करेंगे डिजिटल मीटर से या सीरीज बोर्ड से। अभी चेक करेंगे इसका कनेक्शन बतला रहा है नहीं, तो अभी हम चेक करके आपको बतलाएंगे कैसे चेक किया जाता है। दोस्तों तो हमें कंटे वाला मीटर लिए हैं, उस पर चेक करके बतलाएंगे करंट बतला रहा है, मोटर सप्लाई दे रहा है नहीं, सभी कनेक्शन दे बतला रहा है नहीं। तो दोस्तों जो रेड वाला है एक छोरा जोड़ देंगे उसमें, जो फीला वाला है कंटे वाला में तार निकला है, जोड़ने के बाद जो ब्लू वाला है उसमें टच करेंगे। देख लीजिए कंटा बतला रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए इसका कनेक्शन 2 वाला सही है। ठीक है, अब तीसरा आपको चेक करके बतलाएंगे। अब तीसरा वायर पर टच करके देखें दोस्तों, जो फीला वाला वायर है उस पर टच कर देखेंगे कनेक्शन बतला रहा है नहीं। तो आप देख सकते हैं इसका अभी कनेक्शन बतला रहा है। अब आपको सिर्फ कैपेसिटर पर मोटर चलाकर दिखाएंगे दोस्तों कैसे चलता है। तो देख सकते हैं आप, ये आयल वाला समरसेबल है जो दोस्तों इसमें आयल डाला जाता है, एक पानी वाला होता है और एक आयल वाला होता है। दोस्तों तो ये आयल वाला समरसेबल है, आयल वाला समरसेबल में इस तरह का कनेक्शन लगाया जाता है दोस्तों, ताकि पानी से टच करे तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आपको अब देख लीजिए कैपेसिटर का कनेक्शन जोड़ के बतलाएँगे कैसे जोड़ा जाता है। दोस्तों अब कनेक्शन करके आपको बतलाएँगे सिर्फ स्टार्टर बिना कैसे हम भी समरसेबल को चला सकते हैं सिर्फ कंडेंसर पर। ठीक है, तो आपको एक 50 MFD का कंडेंसर लेना है, और जैसे हम कनेक्शन जोड़े हैं उसी तरह आपको भी सिर्फ जोड़ना है। एक रेड वाला तार है जो उसमें कैपेसिटर का तार जोड़ देना है, और एक फीला वाला है उसमें भी एक कैपेसिटर का तार जोड़ देना है। दोनों सूर्य को एक रेड वाला में और एक फीला वाला में जोड़ देना है। ठीक है, और ब्लू वाला का सिर्फ सिंगल छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपको जो मेन है और एक अर्थ है उसको क्या करना है, जो एक रेड वाला है उसमें जोड़ देना है, ब्लू वाला में और एक रेड वाला में। ठीक है, दोनों में जोड़ने के बाद आपको सिर्फ जो मेन वाला है उसमें खोस देना है, आपको फिर मोटर चलने लगी है। तो आपको देख सकते हैं, नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो में देख कर अभी आप काम कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हम, जो एक रेड वाला है उसमें एक मेन जोड़ चुके हैं और जो ब्लू वाला है उसमें एक जोड़ चुके हैं। तो अब जिसमें से एक मेन मान लीजिए या अर्थ मान लीजिए, दोनों में से एक मान लीजिए, जो फीला वाला है उसमें टेप कर देना है। आपको आप चालू करके बतलाएंगे कैसे चालू किया जाता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कनेक्शन समझ गए हैं कैसे कनेक्शन किया जाता है। तो अभी हम सीरीज बोर्ड से अभी चेक करेंगे, चेक करने के बाद आपको बतलाएंगे कैसे मोटर को चालू किया जाता है। तो देख सकते हैं अभी हम मोटर को पूरा फिटिंग कर चुके हैं, देख लीजिए कितनी अच्छी तरह से हम वायर को जोड़ चुके हैं। दोस्तों इसी वीडियो को ध्यान से देखना है, ताकि आप भी मोटर को सिर्फ कैपेसिटर पर चला सकते हैं। तो देख सकते हैं, तो अभी हम मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करने के बाद आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं अभी मोटर को स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों, और पूरी तरह से रनिंग बना रहे हैं मोटर, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, मोटर भी गर्म नहीं हो रही है ताकि कोई भी दिक्कत आए। तो देख लीजिए 50 MFD का कंडीशन पर मोटर अच्छी ढंग से चल रही है। 50 MFD का लगाना है या 45 MFD का, कोई भी दिक्कत नहीं है। देख लीजिए मोटर अभी ठंडा है, गर्म नहीं। अब आपको पंखी के बारे में बतलाएंगे, इसका जो पंखी है इसमें क्या दिक्कत होता है दोस्तों। तो देख सकते हैं पूरा जाम हो चुका है दोस्तों इसका पंखी, इसी कारण पानी नहीं उठा रहा था, ऊपर में पानी नहीं भेज रहा था दोस्तों ऊपर की साइड ओर से। तो देख लीजिए निचले भाग में जो इसका मोटर में जो रिपीट लगता है दोस्तों, ये पूरे ढीला हो चुका है। इसमें एक छोटा सा पत्ती लगाना होगा ताकि दोस्तों ऊपर नीचे ढक ना होके और पंखी अच्छी ढंग से रनिंग बनाए। तो अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जो कनेक्शन है वो समझ लीजिएगा।